नेता ने अफसरों से की शर्मनाक हरकत। अतिक्रमण हटाने गए तहसीलदार और सीएमओ पर पेट्रोल छिड़क कर उन्हें जान से मारने का किया प्रयास। अफसरों ने भाग कर बचाई जान। मामला राजगढ़ जिले का है। बीजेपी नेता भगवान सिंह राजपूत ने तहसीलदार राजेश सोरते और नगरपालिका सीएमओ पवन मिश्रा पर हमला कर दिया। यह लोग भगवान सिंह के घर के सामने हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए गए थे। कहा सुनी के बाद जब टीम पर हमला हुआ तो सभी लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने आरोपी भाजपा नेता भगवान सिंह और उसके भाइयों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज कर लिए। नगर पालिका की तरफ से अतिक्रमण हटाया जा रहा था, हम लोग उसमें कानून व्यवस्था की दृष्टि से उपस्थित थे। इसी बीच जो भगवान सिंह और उनके दोनों भाई द्वारा जो है मिट्टी पेट्रोल की बोतल लाकर सबके ऊपर छिड़काव किया और वो माचिस की भी बात कर रहे थे, माचिस लाओ और चलाते हैं, तो इसी कारण जो है फिर सब लोग को आनंद फानंद वहाँ से दूर हटाया गया, जिससे कि मतलब कोई आग की कोई घटना न हो और किसी के जानमाल को नुकसान न हो। थाने में शिकायत की सर इस मामले को? इसकी हमने थाने में शिकायत कर दिया है और उनके खिलाफ एफ दर्ज हो चुका है। हम लोग की यही मांग है कि मतलब उनके खिलाफ तत्काल उनकी गिरफ्तारी हो और उनके विरुद्ध जो भी दंडात्मक जितनी कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो उनके खिलाफ की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई दोबारा ऐसी कोई हिमाकत न कर पाए। इसमें आज राजस्व अमला और नगर पालिका अमला, ये दोनों ही भगवान सिंह राजपूत के घर के सामने से जो अतिक्रमण है वो हटाने के लिए गए हुए थे। पटवारी द्वारा जगह चिन्हित कर दी गई थी जो अतिक्रमण में आ रही थी। इसी अतिक्रमण को JCB से हटाया जा रहा था, तभी वहाँ पर भगवान सिंह राजपूत, उसके दो भाई दशरथ और जगदीश, ये दोनों भी आ गए। तीनों ने शासकीय अमले के साथ गाली गुप्तार की और उसी समय भगवान सिंह राजपूत एक बोतल में पेट्रोल लेकर आ गया और उसने पेट्रोल छिड़का, जो राजस्व अमले और नगरपालिका अमले और उस पर स्वयं पे भी गिरा, जिसमें हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। शीघ्र ही आरोपी कौन कौन से धारा है सर जिसमें अपराध पंजीबद्ध हुआ? इसमें 294, 353, 285, 506, 34 IPC से मामला कायम किया है और भी इसमें विशेषज्ञ से राय लेंगे और यदि धारा बढ़ती है और बढ़ती है। सर कितना आरोपी है? इसमें 3 आरोपी गिरफ्तारी कर लेंगे, शीघ्र ही गिरफ्तारी कर लेंगे।